चलिए सभी अपने हाथ जोड़े, आंखें बंद करें और मैम के साथ दोहराएंगे, है ना। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, जो खिल सकेंगे वे फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। बेटा सिद्धि, 2 मिनट की प्रेयर भी नहीं होती है, आप लोग अच्छे से नहीं बैठ सकते क्या प्रेयर के समय? अच्छे से बैठना चाहिए बच्चों। प्रेयर जब हमारी होती है तो क्या करना है हमको, अच्छी तरीके से बैठना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए, है ना। 2 मिनट की तो बात होती है बच्चों। हमारी पार्ट 6 की एक्सरसाइज भी पूरी हो गई है ना। और आप लोगों ने क्लास वर्क कॉपी स्कूल भेजी है, लेकिन 2 से 3 ही क्वेश्चन लिखवाऊंगी, तो आप अभी किसी कॉपी में लिख लीजिए, जब आपकी कॉपी वापस आ जाएगी घर पे, है ना, क्योंकि कुछ ही बच्चों की कॉपी आई है, बाकी के तो पास कॉपी है ना, और जो भेजेंगे तो आप उसको फिर बाद में कर लेना, है ना। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे, ठीक है। सभी अपनी अपनी जिनके पास है क्लास वर्क कॉपी, कॉपी निकाल लीजिए, और जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे, अपनी दूसरी रफ कॉपी में अभी के लिए लिख लीजिए, ठीक है। चलिए मैम लिखेगी बोर्ड पे, आपको लिखना है साथ साथ। नहीं, सुनार और लोहार की दुकानें कहाँ थी, है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग डेट डालते हैं। सबसे पहले क्या डालेंगे, डेट। आज क्या डेट है, क्लास थ्री में हो आपको, है ना, आपको क्लास में नहीं लिखना है, आपको हेडिंग डालनी है प्रश्न उत्तर, प्रश्न प्रॉपर तरीके से करें। कुछ बच्चों ने पार्ट के नाम वगैरह डाले ही नहीं है, सबको सही तरीके से लिखना है, हाँ, है ना। डेट डालिए सबसे पहले। चलिए सुनार और लोहार की दुकानें कहाँ थी, और चैटिंग अभी बंद कर देना है, जब मैम को कुछ जरूरत होगी तो ही आपको चैटिंग करनी है ना। श्रुतलेख नहीं लिखवाए मैम ने अभी, शब्दार्थ और श्रुतलेख नहीं लिखवाए क्या? हाँ, तो पहले श्रुतलेख और शब्दार्थ लिख लीजिए, है ना, सॉरी। चलिए प्रश्न उत्तर हेडिंग काट दीजिए। और सबसे पहले हम इसमें
का क्या करेंगे, फैच फोल्ड करेंगे, है ना। हमेशा की तरह क्या करना है आपको, पैच फोल्ड करना है और फिर स्केल से लाइन खींचकर अच्छे से सुंदर राइटिंग में लिखना है। इस तरह से आधा पेज फोल्ड करना है और वहां पे स्केल से लाइन खींचनी है, ठीक है। चलिए हेडिंग डालेंगे शब्दार्थ, क्या डालेंगे शब्दार्थ। सुनार सबसे पहला शब्द है, सुनार। सुनार मतलब सोने के गहने बनाने वाला, सोने के गहने बनाने वाला, सोने के गहने बनाने। प्रशंसा दूसरा शब्द है, प्रशंसा। प्रशंसा में किसी की तारीफ करना, बड़ाई करना, है ना। तारीफ बड़ाई दोनों हो सकता है, इसमें क्या है बड़ाई, है ना। अगला है लोहार, अगला शब्द है लोहार। लोहार मतलब लोहे के औजार बनाने वाला, लोहे के औजार बनाने वाला। कितना लिख लीजिए, फिर आगे के लिखेंगे। सिद्धि हो गया आपका, वेरी गुड। अभी तीन लिखिए, आगे के फिर अब करके और लिखेंगे। अच्छी सुंदर राइटिंग लिखिए सभी, और बोल के लिखना है, बोल बोल के लिखिए, और राइटिंग सुंदर लिखिए। मैम साइन ना हो रही है, आप पूरा करिए अपना। चलिए जल्दी लिखिए, अक्षर सुंदर आने चाहिए सभी के, और बोल बोल कर लिखना है। वेरी गुड राध्या, आपका कमरा कैमरा इतना क्यों घूमता है बेटा। चलिए डन आला प्यू। चलो अभी शिका हो गया, श्रीका हो गया, गुनिका हो गया, सिद्धि, अश्विनी, सबका हो गया है। हाँ नीरा कर लीजिए, तीन ही है, जल्दी करिए आप लोग।
आप लोगों का एक लाइन में नहीं आएगा तो आपको अगली लाइन में लिखना है ना बेटा, क्योंकि इसका बड़ा है आंसर, तो आपको क्या करना है सेकंड में लिखना है, दो लाइन में लिखना है। उसकी इसमें तो रोज प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सएप देख सकते हो, लेक्सा ओपन कर लीजिए। चलिए, काफी समय ले लिया आप लोगों ने, अब हम लोग देखेंगे आगे के शब्दार्थ। हमेशा मैम बोलती है पार्ट पार्ट का नाम डाले, लेकिन अभी जब क्लास वर्क कॉपियां आई है तो मैंने देखा कि आप लोगों ने हेडिंग नहीं डाली है ना, और होमवर्क तो बहुत कम बच्चों की कॉपी में है, अब सारे बच्चों के मार्क्स कटने वाले हैं। आत्या मित्तल ने बहुत अच्छा किया है, मैप बनाया है और उसके अंदर फिर राज्य और राजधानियां लिखी, वेरी गुड आत्या मित्तल, गुड गर्ल। हाँ चलिए, अब है कर्ण, अगला है कर्ण। कर्ण मतलब क्या होता है, टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े है ना, टुकड़े। जैसे मैंने चौक लिया ना, है ना, अब चाक को क्या करूंगी मैं, जब तोड़ूंगी तो बहुत बहुत छोटा छोटा जो कण होगा ना वो छोटा कण कहलाता है, जो बहुत ही छोटा होगा है ना, बहुत छोटा हो जाएगा कण, मतलब जो कि बहुत छोटा होता है ना, जिसे हम लोग देख भी नहीं सकते। हाँ अगला है लगन, लगन अरे ध्यान, कोई भी काम किससे करना, बहुत ही ध्यान से। इसके बाद है जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जानने की अवसर, अवसर अने मौका, अवसर अने मौका। फिर है तपाकर, तपाकर ने खूब गर्म करके, गर्म करके। चलिए
बस एक आखिरी बचा है मजबूर, आखिरी बचा है मजबूर। मजबूत अने पक्का। आपको बोलते ना कोई डब्बा ले जा रहे तो मैं मजबूत लगा दे रहे हो, गिरे नहीं सामान है। मजबूत अने पक्का। चलिए लिख लीजिए। श्लोक एकदम सानिध्य, वेरी गुड सानिध्य। होमवर्क लिख लीजिए आप लोग, कल दिया था मैंने होमवर्क, होमवर्क लिख लीजिए सारे बच्चे। वाक्य बनाए कल दिया था मैंने, प्रश्न चार पेज नंबर 40 से कल होमवर्क दिया था ना मैम ने, बुक में दिया था। आद्या शरणम, हाँ प्रश्न तीन भी अब आपको ही करना है। बहुवचन रूप, हम बहुत बार बहुवचन कर चुके हैं, दुकान दुकाने, आंख आंखें, तो ये आपको अपनी पुस्तक में करना है। पेज नंबर 40 से प्रश्न तीन पुस्तक में करें, पुस्तक में करो। चलिए जल्दी करिए। डन ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। हृदय वेलकम, डन। इसके बाद हम लोग लिखेंगे श्रुतलेख शब्द, है ना। इसके बाद हम लोग करेंगे श्रुतलेख शब्द।
चलिए डन ऑल ऑफ यू, रवीना अर्णव बाकी बच्चे भी जल्दी करें, और भी बच्चों का हो गया है। ओके रिद्धि ओके, अश्विनी अद्वी गुरसाखी वेरी गुड। लक्ष्य वेरी गुड। चलिए अब श्रुत लेख लिखेंगे, है ना। होमवर्क आपको नोट डाउन करना है, होमवर्क जरूर करें, बहुत आसान होमवर्क है। चलिए अब श्रुत लेख लिख रहे हैं हम लोग, है ना। मैनपुर, आपको हर शब्द को तीन बार लिखना है। श्रुत लेख मैनपुर 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 नहीं बोलेंगे, मैनपुर बोलेंगे, जैसा बोलते हैं हम लोग वैसा लिखते हैं। इसे सही बोलना है और सही लिखना है ना। कुल्हाड़ी अगला है, कुल्हाड़ी। अभी वन वन टाइम लिख लीजिए, अगर टाइम ओवर हो गया तो आप लोग खुद से लिख लेना। गढ़ना मजबूत औजार औजार, ज के नीचे बिंदी, यहाँ भी है ना। चलिए लिखिए। ओके अभिषी डन, अवनी डन, वेरी गुड। आगे लिखिए। ओके वेरी गुड। चलिए टाइम भी होने वाला है, जल्दी कर लीजिए आप लोग। फिर अगली कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर लिखेंगे, है ना। चलिए 2 मिनट का टाइम है आपके पास, वन वन टाइम लिख लीजिए, जल्दी करिए।